हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का वीडियो बनाया जा रहा है, भाग 6 है, चैप्टर 7 है और आज का हमारा चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों तथा उपग्रहों की गति, यानी ग्रेविटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। वेरी मोस्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑफ पेपर, यानी पेपर की दृष्टि से बोल सकते हो कि बहुत मोस्ट है। और जाके देखोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल के बोर्ड पेपर में आए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, 1-2 नहीं 2-3। यानी कहने का मतलब, अगर मोटा माटी बात करें तो यहाँ से लगभग 5-6 या 10 नंबर कह सकते हो कि यहाँ से मिल सकते हैं। 10 नंबर मोटा मोटा मान के चलो, 10 नंबर के आसपास यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब बता दूँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बातें, एक ही भाग में इस लेसन को पूरा नहीं समाप्त किया जा सकता, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है। देख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, फिर ग्रह पढ़ना है, फिर उपग्रह पढ़ना है, तो जिस कारण से 2 या 3 पार्ट में इसको समाप्त किया जाएगा। तो इससे घबराना आपको नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, आज कुछ टॉपिक सीखेंगे, कल सीखेंगे, इसी तरीके से सीख लेंगे, 2-3 दिन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो तो आप लाइक करेंगे ही, साथ में इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले पाएँ और हमारी मेहनत को सफल बनाएँ। चलिए शुरू करते हैं। अब पहले इसके भाई सिलेबस को हम बता देते हैं। अगर सिलेबस नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा, इसलिए सिलेबस सबसे पहले जान लो। देखिए, आपका सिलेबस यही इतनी टॉपिक्स हैं, देख सकते हो, ब्लैक होल्स भी हैं, तो अभी हम आगे सब कुछ देखेंगे। तो इतने भाई हमारे सिलेबस में है, तो यही हमें मोस्ट पार्ट में ना 8 पीरियड में समाप्त करना है, लेकिन हम इसको 3 पीरियड में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो आज की चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इन्होंने एक नियम दिया था जिसे गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी के नाम से जाना जाता है। स्मॉल जी होता है तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध भी पूछा जाता है, तो उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी बल को उन्होंने नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण। जैसे दोस्तों, ये दो पेने हैं, ये दोनों आपस में आकर्षित कर रही हैं, लेकिन इनके बीच जो फोर्स है ना, वो बहुत कम है, ठीक ना। वो इनके बीच क्या है, फोर्स कम है, जिस कारण से हमें पता नहीं चला कि आपस में आकर्षित करें। चाहे पेन हो, चाहे कागज, सब लोग आकर्षित कर रहे हैं, हम इस अपने कैमरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉपी से हो रहे हैं, तो इस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए कि भैया उसके बीच जो बल है ना, वो कम काम कर रहे हैं। अब देखिए, अभी जब फार्मूला देखोगे तो समझ जाओगे कैसे। अतः न्यूटन के नियमानुसार किसी दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी m1 = क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और m2 r, इसके बीच की दूरी हो जाएगी। अब देखिए, माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण परस्पर r दूरी पर हैं, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल f अनुक्रमानुपाती m1 m2 और इनके बीच की दूरी f व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती पढ़ोगे तो r स्क्वायर बोलोगे, अनुक्रमानुपाती पढ़ोगे तो 1/r स्क्वायर बोलोगे। दोनों नियमों को मिला देने पर f अनुक्रमानुपाती m1 m2/r स्क्वायर होगा, और जैसे ही दोनों को मिलाओगे दोस्तों, f = g m1 m2/r स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा, आपका बल आ गया यही। अब देखिए, जहां जी होता है ना, अनुक्रमानुपाती नीतांक है, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67×10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है, तथा बीमा m⁻¹⁻¹¹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 ¹
की पावर माइनस टू होता है। तो इतना आपने जी के बारे में देखा। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। अब देखिए जी का क्या मान है। बीसीएस में जी का मान बहुत कम होने के कारण हमें इस बल का अनुभव नहीं होता, क्योंकि देख सकते हो माइनस में है दोस्तों, माइनस 11 आपका था शायद, ठीक है ना, माइनस 11 में एक बार देख लेता। हाँ, 6.6 10^-11, तो देख सकते हो 10^-11 वही बल इतना छोटा है ना, जिस कारण से हमें पता नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। आकाशीय ग्रहों तथा उपग्रहों में यह बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब देखिए ग्रहों के संबंधी कैपलर के नियम, कैपलर सलाह ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे कैपलर नामक वैज्ञानिक ने तीन नियम दिए हैं। अगर इन तीन नियम को नहीं समझ पाए तो समझो कुछ नहीं समझ पाए, और बिल्कुल आसान से बताऊंगा। जगह हम बात करें पहला नियम, मतलब प्रथम नियम की, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, अगर कोई पूछ भी सकता अच्छा बताओ कैपलर के पहले नियम को क्या नाम से जानते हैं,
दूसरे नियम, कैपलर के दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं और कैपलर के तीसरे नियम को किस नाम से जानते हैं। सबके अलग अलग नाम है, पहला दूसरा तो तीसरा है ही है, लेकिन अलग अलग नाम है, उन नाम को जानिए। अगर प्रथम नियम कोई पूछे तो आप बताएंगे कक्षाओं का नियम उन्होंने दिया था, यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या होता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए, सूर्य कक्षाओं देखिए अपनी अपनी कक्षाओं परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य जो होता है कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। तो इन्होंने कक्षाओं का नियम दिया था। दूसरा इन्होंने दिया था दूसरे नियम जिसे क्षेत्रफली वेग का नियम कहा गया, यानी लॉ ऑफ एरिया वेलोसिटी होती है। क्या होता है देखिएगा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत रहता है। क्या करता है, समान संख्या में समान प्राप्त करती है, अतः इसका क्षेत्रफली वेग क्या होगा, नियत होता है। इस नियम के अनुसार जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग न्यूनतम तथा जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। तो इतना देख सकते हो गाइस। अब देखिए, अब दोस्तों इस फिगर के मदद से समझते हैं। जैसे देखिए हमने क्या बताया कि जो आपका कक्षाओं के नियम के अनुसार यहाँ पे देखिए सूर्य एक समय पर फोकस रहता है, मतलब एक स्थान पे, और देखिए जो ऑर्बिट मान लो कोई पिंड है तो ये चक्कर लगा रहा है। अब देखिए जब ये दूर होता है, अब देखिए सूर्य से मान लो कोई पिंड ये था, यहाँ पे ए पॉइंट पे था, तो देख सकते हो कितनी दूरी पर था, ए से बी के इतने चक्कर चला, ठीक है, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक इतना ही चक्कर चला। लेकिन दोस्तों यह सूर्य आपका ये फोकस है। अब देखो जब ये पास में आ गया, चलते चलते पिंड सूर्य के पास आया तो देख सकते हो ज्यादा चलती का है, देख सकते हो अगर देखने की तुलना में बात करें तो ज्यादा चलता है, अर्थात देख सकते हो क्षेत्रफली वेग जो होता है वो नियत होता है। ये अगर क्षेत्रफल की बात करें जितना ये क्षेत्रफल उतना ये भी है, लेकिन देख सकते हो दूरी के अनुसार क्या होता है, ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी देख सकते हो जहां सूर्य के समीप वहां पे तेजी से चक्कर लगाता है, सूर्य के दूर कम चक्कर लगाता है, ठीक है, धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं। अगला नियम दोस्तों आपके सामने ये रहा, तीसरा नियम बोलो या तो इसको बोलो दोस्त परिक्रमण कालों का नियम, यानी लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या होते हैं आपके, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल एक चक्कर पूरा करने में लगाने में जो समय लगता है, लगाने मतलब एक परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग मतलब क्या होगा, परिक्रमण काल एक चक्कर लगाने का समय कोष्टक में, ठीक ना। और सूर्य से औसत दूरी के तृतीय घात, सूर्य से औसत दूरी के तृतीय घात यानी घन के समानुपाती होता है, इसे परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रहे। माना किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी तथा उसकी सूर्य से औसत दूरी आर हो तब टी अनुपाती आर क्यूब या टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो जाएगा। इस नियम के अनुसार या इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि सूर्य की ग्रह जो हमारा होगा सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। सूर्य के समीप ग्रह अगर जो हैं, बुध का परिक्रमण काल जैसे 88 दिन, जबकि सूर्य से दूर सबसे ग्रह जो कि प्लूटो होता है जिसका मतलब एक चक्कर का समय लगता है 248 वर्ष लग जाते हैं। सोच सकते हो दोस्तों कहां 88 दिन और कहां 248 वर्ष लग जा रहे हैं प्लूटो के। यदि दोनों ग्रहों के परिक्रमण काल T1 तथा T2 तथा उनकी कक्षा की औसत दूरियां क्रमशः R1 तथा R2 हो तब T1 का स्क्वायर अपान T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक और नियम होते हैं, कैपलर के नियम के द्वारा हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है या इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर उसकी व्युत्पत्ति करेंगे, यानी उसके नियम को प्राप्त करेंगे। तो क्या हुआ देखिए, कैसे प्राप्त करेंगे न्यूटन के नियम को। न्यूटन ने बताया कि अधिकांश जो ग्रह होते हैं बुध और प्लूटो को छोड़ करके कि सूर्य के परितः कक्षाएं लगभग वृत्ताकार होती हैं। कैपलर के दूसरे नियम के अनुसार यदि ग्रह का क्षेत्रफली वेग नियत है अतः वृत्ताकार कक्षा में ग्रह का जो वेग है भी नियत रहेगा। क्योंकि ग्रह जो हमारा होता है वृत्ताकार पथ पर चल रहा है अतः ग्रह जो होगा हमारा केंद्र पर, समझ सकते हैं केंद्र पर, केंद्र की ओर, ग्रह केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगाएगा जो कि यम इजकल टू यम भी इस पर अपान आर होगा, आपको पता है। जहां दोस्तों यम इजकल टू, जहां यम ग्रह का द्रव्यमान तथा आर ग्रह की सूर्य से दूरी होती है। अब मान ले ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो टी है, तब ग्रह का जो कक्षीय वेग होगा वो क्या होगा, कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिट वेलोसिटी जो होगी वी इज इक्वल टू पाई आर बाई टी हो जाएगी। अब देखिए, अब इसी के मदद से हम यहाँ पे यह फिजिकल टू वैल्यू सबकी रख लेंगे भाई। अब देखो जो कट रहा था आर इस पर कट रहा था एक आर से आर, टी इस पर इक्वल टू के आर क्यूब होता, उसके मान को भी हम रख देंगे। नियम पूर्वक सरल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यह फिजिकल टू 4 पाई
फोर पाई स्क्वायर अपान के यम अपान आर स्क्वायर इक्वेशन वन बना लेना, या तो दोस्तों बोलना यफ इजक्वल टू यम अपान आर स्क्वायर नियतांक अल्फा इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर अपान के आ जाएगा। अब देखिए क्या है अगला टॉपिक्स, इस प्रकार कैपलर के नियम के आधार पर, इस प्रकार से देख सकते हो दोस्तों कैपलर के नियम के आधार पर न्यूटन ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल लिए। कैसे क्या क्या निष्कर्ष निकाले न्यूटन ने कैपलर ने भाई न्यूटन के नियम से, ग्रह एक अभिकेंद्र बल जो कि ग्रह पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। दूसरा इन्होंने किया कि यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। यह बल जो होता है ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है यानी यफ अनुक्रमानुपाती यम होता है। अब देखिए क्या है, चूंकि यह बल जो है ग्रह तथा सूर्य के बीच पारस्परिक है, यह बल जो है ग्रह तथा सूर्य के बीच पारस्परिक है, अतः बल यफ सूर्य का द्रव्यमान यम के, अतः बल जो यफ है सूर्य के द्रव्यमान यम के भी समानुपाती होना चाहिए। अतः समीकरण एक में नियतांक 4π² / k के स्थान पे gm लिख सकते हैं, यानी जहां g इक्वल टू दूसरा नियतांक होगा यानी f इक्वल टू g m1 मतलब कैपिटल m स्मॉल m अपान r स्क्वायर। तो वही फार्मूला बना कि नहीं दोस्तों देख सकते हो वही चीज बन गया। तो अब कह सकते हैं न्यूटन के अनुसार यह बल सूर्य तथा ग्रह के बीच ही लागू नहीं होता बल्कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो कण हैं उनके बीच लागू हो सकता है। यदि M1 M2 दो द्रव्यमान है तो उनके बीच आकर्षण बल जो होगा F इक्वल टू G M1 M2 अपान r स्क्वायर लगेगा, और यही दोस्तों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यही होता है। तो देखा ना कैपलर ने भाई अपना दिमाग लगा के प्राप्त कर लिया इन्हीं के नियम और अपना नियम उपयोग करके। अब देखिए अगला दिखाते हैं गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में क्या, पृथ्वी जिस बल से एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से दिखाते हैं तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किग्रा है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा कहें न्यूटन किग्रा होता है। स्मॉल जी, ये तो आपको गुरुत्वीय त्वरण समझ लिया। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, ये पेपर में आता है, आपके कोई टीचर भी पूछ सकते हैं कहेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताओ क्या है, लेकिन अगर आज ये समझ लिए ना तो कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल आसान से समझना है। देखो मान लें हम पृथ्वी का द्रव्यमान एमी है और उसकी त्रिज्या आ रही है तथा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित है, ये सब हमने मान लिया। फिर क्या किया, माना यम द्रव्यमान की एक वस्तु है पृथ्वी तल पर आकर कहे या तो कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तब पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी हम RE मान सकते हैं। ठीक, तब पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F इक्वल टू G m e अपान r² इक्वेशन 1। न्यूटन के दूसरे नियम से आपको भार का नियम जो आपका वस्तु का भार या बल का नियम जो आपका है F इक्वल टू mg होता है। तो दोस्तों देख सकते हो RE यहां पे रखा हुआ पृथ्वी पर या कुछ ऊंचाई पर, तो RE हम मान सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट अगर पृथ्वी पर है। अगर मैं कहूं दोस्तों जिसे देखो आप यहाँ पे हमें पहुँचना है, हम इससे 1 mm ऊपर है, तो क्या हम दोस्तों ये नहीं कह सकते कि हम उसी लाइन पर हैं, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसके अनुसार हमारी मान सकते हैं जहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण होता है और समीकरण 1 और 2 को हमने इस्तेमाल किया तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई एम कट जाएगा भाई, तो जो कटने के बाद जो बचेगा उसको देखिएगा वो क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर इस पर, यही आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध होता है। और इस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आती हैं जो कि आप अपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 3 से अस्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराएं तो सभी वस्तुओं में समान गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होगा, और यदि निर्वात में गिराई जाए तो सब एक साथ धरातल पर पहुंचेंगे। ठीक ना, ये बात होती है कि हमारे भाई की इस्तेमाल, देखो अगर मैं बात करूँ ना कि एक जैसे आप एक चिड़िया है, चिड़िया का पंख है वो ले लो, और एक मान लो इतना बड़ा बाट ले लो यानी लोहा ले लो, ठीक मान लो ये लोहा ले लो, ये मान लो लोहा है और एक चिड़िया का पंख ले लो, अगर दोनों को निर्वात में गिराओगे ना वेट है दोनों का, लेकिन जब पृथ्वी पे पहुंचेंगे ना एक समान समय में पहुंचेंगे, चाहे भले से हल्का हो भारी हो, ठीक उससे नहीं मतलब। अब देखिए इसमें क्या अगला टॉपिक्स है, अगला इसी में पॉइंट 1 करके आता है पृथ्वी तल। अब देखिए वही जी तो हमने समझ लिया, जी जी में क्या संबंध था कैपिटल जी स्मॉल जी में। अब देखिए पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है, या तो नीचे जाए तो भी परिवर्तन होता है, तो उसके लिए कितना परिवर्तन होता है,
कितना परिवर्तन होता है उन सबको हम समझेंगे, ठीक है ना। अब चलिए डिराइव करते हैं। ये मत सोचना कि उसे जी वाले में ही टॉपिक्स आ गया, पॉइंट करके लिखा गया है, लेकिन ये जो आपका टॉपिक्स आते हैं एक पर्सनली अलग से भी पूछ सकता है, ठीक ना, तो या उसमें भी पूछ सकता है, तो ध्यान देना इसका। माना पृथ्वी का द्रव्यमान नियमित त्रिज्या आर है, पृथ्वी के किसी सतह पर बिंदु ए पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो हम जानते हैं जी इज इक्वल टू यमी अपान आर, इस पर इक्वेशन वन। यदि हम मान लें पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी बिंदु b पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश लगता है, तब g डैश इक्वल टू g एमई अपॉन re प्लस h स्क्वायर का इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इक्वेशन 2 और 1 से हम करेंगे, इक्वेशन 2 और 1 से क्या कर सकते हैं, g डैश अपॉन g इक्वल टू g एमई अपॉन re प्लस h स्क्वायर इनटू re अपॉन g एमई, तो g एमई से देख सकते हो कट जाएगा और g डैश अपॉन g हो जाएगा re का स्क्वायर अपॉन re प्लस h स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं कहूं यहां से आर ई को कॉमन कर लो तो ऊपर वाला दोस्तों देख सकते हो कट जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर से जब निकलेगा तो बाहर हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका बच जाएगा। अब लास्ट में जो आपके टॉपिक से बचती हो ये बच जाएगी भाई, देख सकते हो ये चीजें देख सकते हो। अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया, ये आपका लिखा गया, इसे बड़ा सा कर लो, -2 लिखा गया है। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, देखिए जब ऊपर एक बचेगा इसके ऊपर ले जाओगे तो जानते ही हो कि अगर हम एक बटे यक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ यक्स के पावर -1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो उसी के नियम से हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों ये चीज़ होती है मैं तुरंत द्विपद प्रमेय लगा देता हूँ, यानी बीनोमियल थ्योरम लगा देता हूँ, जो कि आपने मैथ में पढ़ा है। तो g-g-1 -2h/re प्लस h/re उच्च घातों के अन्य पद ऐसे आ जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए चूंकि r की तुलना में जो हमारा h है ना भाई बहुत छोटा है, अतः h जो होगा, ठीक ना, अतः h r की उच्च घातों को पदों को छोड़ सकते हैं, उच्च ये सब जो है वो छोटे छोटे होंगे भाई, छोड़ देंगे, तो g डैश अपान g डैश 1 माइनस 2 h अपान r ही हो जाएगा। अब हम g डैश की बात करें तो g माइनस माइनस 2 h अपान r ही हो जाएगा, इक्वेशन 4 जो होगा यही आपका भाई आ जाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे एक पिंड दिखाया गया, r ही दूरी है, यहाँ से h है, तो ये भी इस तरीके से यमी आपका द्रव्यमान है, इस तरीके से इसका फिगर बनता है, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने के लिए यही आपका फिगर से ये सब काम किए गए। अब दोस्तों अगर मैं कहूं कि अगर मैं पृथ्वी पर था, पृथ्वी से ऊपर गया, पृथ्वी पर था, अब मैं कहूं दोस्तों पृथ्वी से नीचे चले जाओ, गहराई में पृथ्वी के केंद्र में घुस जाओ, तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल क्या होगा, जी में नीचे अगर हम जाएंगे तो जी में परिवर्तन होगा, वो कितना परिवर्तन होता है देख सकते हो, ये हमारी पृथ्वी है थी पूरी, हमने इसके अंदर आ गए, ये देखते हो ये पूरी पृथ्वी थी, यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की त्रिज्या थी, हम क्या किए गड्ढा खोद करके भाई पृथ्वी के अंदर आ गए, तो जहाँ पर आए वहाँ से हमने मान लिया कि एक वृत्त बन सकता है तो बना लिया, तो आरी में से यच दूरी हम नीचे आए थे तो भाई हमने यच घटा लिया तो इतना दूरी बची है, तो जीरो से पी बिंदु पर हम हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए कैसे फार्मूला डिराइव करेंगे, मान ले दोस्तों माना एक पिंड है जिसका माना एक पिंड पी है जिसका द्रव्यमान एम है, पृथ्वी तल से यच दूरी नीचे की ओर स्थित है, इसको पिंड ठीक ना, इसकी पृथ्वी के केंद्र ओ से दूरी आर ई माइनस यच होगी, बिंदु ओ को केंद्र मान के एक गोला खींच लेते हैं, जो जो भाई वहां दिख रहा था वही के अनुसार लिखा गया है, जिसकी त्रिज्या आर ई माइनस यच है, अतः केवल भीतर वाले गोले के कारण ही पिंड पर आकर्षण बल कार्य करता है। इस गोले का आयतन यम डैश इज इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व, यानी 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू रो हो जाएगा, जहां रो क्या है पृथ्वी का दोस्तों घनत्व है। अब देखिए क्या अगला टॉपिक, अतः न्यूटन के नियमानुसार भीतर वाले गोले के कारण, अतः न्यूटन के नियमानुसार भीतर वाले गोले के कारण पिंड पर आकर्षण बल, पिंड पर आकर्षण बल कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू जी यम डैश, देखिएगा कैपिटल यम का डैश जो हमने यहां दिखाया था, यम डैश यम आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोनों की वैल्यू रख देंगे, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब रो यम हो जाएगा, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी 4/3 हो जाएगा आर ई माइनस एच रो यम हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 4/3 जी आर ई माइनस एच रो यम आ जाएगा आपका, ठीक है ना, बस इधर उधर क्या किया सिंपल सा इधर उधर कर दिया, मतलब सेटअप कर दिया गया ऐसा कह सकते हो। अब देखिए क्या होगा, यदि बल जो हमारा बल लग रहा था पिंड का भार mg डैश होना चाहिए, ठीक ना, जिसमें g डैश बिंदु p पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो mg इक्वल टू मतलब इसका मान यहां से mg डैश के 4/3 g r माइनस इस तरह हो जाएगा, यम यम से भाई कट के खत्म होगा। इसी प्रकार से यदि पिंड जो हमारा पिंड है वो पृथ्वी तल पर हो तो गुरुत्वीय त्वरण mg 4/3 g इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि जो समीकरण एक में से दो का भाग दे देंगे, अब देख सकते हो यहाँ से यम वगैरह तो कट ही जाएंगे, जब भाग दो दोगे दोस्तों तो जी और 4/3 वाला भी कट जाएगा और रो यम रो रो है तो वो भी कट जाएगा, यानी बचेगा क्या जी डैश अपान जी आर ई माइनस एच अपान आर ई ही बचेगा। अब जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी
जी हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस एच पाई एच अपान आर ई हो जाएगा, इक्वेशन थ्री हो जाएगा। और यही गाइस आपके संबंध आ जाएंगे जी डैच की वैल्यू कितनी होगी नीचे जाने पे गुरुत्वाकर्षण का मान। अब देखिए तीसरी पॉइंट है पृथ्वी के आकार का प्रभाव। पृथ्वी के आकार का प्रभाव भी पड़ता है, क्या है, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, क्या है, दोनों ध्रुवों पे कुछ रूप से चपटी हुई होती, मतलब चिपटी है, चपटी है बोल सकते हैं, ठीक। विषुवत रेखा पर उसकी त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। ध्रुवों की अपेक्षा अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो वो क्या है कि 21 किलोमीटर अधिक है। हम जानते हैं कि जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या आर ई पर निर्भर करता है, यानी जी इक्वल टू जी एमई अपन आर ई स्क्वायर। अतः स्पष्ट है कि आर ई का मान कम होने पर जी का मान अधिक होगा। ज्यों ज्यों हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं त्यों त्यों आर ई का मान बढ़ता है और आर ई का मान घटेगा और जी का मान बढ़ता है। तो देखिए क्या होता है, ये भूमध्य रेखा होती है, तो इस तरीके से पृथ्वी कुछ चपटी है तो देखते तो इधर कितनी ज़्यादा त्रिज्या है लेकिन इधर कम है, तो इधर ये क्या है 21 किलोमीटर इसकी अपेक्षा बड़ा है, तो इस तरह से चपटी होता है और जैसे इधर से हम इधर ध्रुव की तरफ जाते हैं जी का मान बढ़ता जाता है। अब चलिए अगली टॉपिक समझते हैं, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः, पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूमना तथा घूमने का प्रभाव, ठीक है। कैसे परिभाषित करेंगे इसको, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, अतः पृथ्वी तल पर स्थित प्रत्येक वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है। हम जानते हैं कि वृत्तीय पथ पर घूमने वाली जो वस्तु होंगी वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण लगता है, यह त्वरण जो होगा गुरुत्वीय त्वरण जी से लिया जाता है, अतः जी का जो प्रेक्षित मान होगा जी के वास्तविक मान से कम हो जाता है, जी के क्या होगा वास्तविक मान से कम हो जाता है। अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन का व्यंजक। हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। हम क्या जानते हैं, जो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और भूमध्य रेखा पर जो होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक, मतलब ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। अब भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है, ठीक है ना, एंगल का। अब देखिए अब क्या है, जहां आर ई इक्वल टू क्या था पृथ्वी की त्रिज्या, ओमेगा इक्वल टू क्या कोणीय वेग है आपका। अब बात कर लेते हैं विषुवत पर, विषुवत पर लैम्डा इक्वल टू जीरो हो जाएगा विषुवत रेखा पर, तो जी डैश इक्वल टू कॉस जीरो का मान वन, तो यहां पे क्या हो जाएगा न्यूनतम आ जाएगा। अब जब 90 रख देंगे तो 90 का मान जीरो, यानी जीरो हो जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू अधिकतम वहां पे हो जाएगा। यानी जो चीज फार्मूला हमने यहां पे देख सकते हो डिराइव किया था ये फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले को हम यहां पे सीधे मालू रख के बता देते हैं भाई कहां पे ज्यादा होगा कहां पे कम। अब देखिए अगला एक टॉपिक आता है आपका भारहीनता, यानी वेटलेसनेस। भारहीनता वेटलेसनेस क्या होता है, किसी पिंड का भार वह बल होता है जिसके द्वारा यह पृथ्वी केंद्र की ओर आकर्षित होता है। जो भार होता है ना पृथ्वी, देखिए अब थोड़ा सा हम एक चीज बताना चाहेंगे, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, जो बल जिस बल से खींचती हो उसका भार होता है दोस्तों। जो अगर उसके द्रव्यमान की बात करें, जो एक मतलब इस तरह से मान लो ये इसका है, एक किस बल से खींच रहे हो उसका भार हो गया। अगर ये इसका कितना अपना खुद का है, मतलब एरिया ऐसे कुछ करके बोलते हैं, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऐसा जो होता है मान लो ये चीज़ है ये अपने आप में एक भार है, लेकिन बल जो खींच रहा है वो भार होता है और द्रव्यमान दूसरी चीज़ होती है, ठीक है ना। द्रव्यमान भार में बहुत अंतर होता है। जब कोई पिंड पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होता है तब इसका भार mg के तुल्य होता है। पृथ्वी का यह भार स्थिरावस्था भार अथवा वास्तविक भार कहलाता है। जब भी वस्तु को अपने भार का आभास उस समय होता है तब इसके भार का कोई अन्य वस्तु विरोध करती है। जब किसी का भाई इसका पता चलेगा, अगर जैसे मान लो इसको वेट तौल रहे हैं तो किसी नीचे रखकर भाई तौल रहे हैं तो उसका उसको मालूम होता है, तभी पता चलेगा भाई इसका भार है, ठीक। किसी वस्तु में भारहीनता का अभ्यास निम्न अवस्थाओं में हो सकता है। कब कब भारहीनता का मतलब एहसास हो सकता है, आभास हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है जब वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिर रही हो। दूसरा ये कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः ऐसे वातावरण में परिक्रमा करता है कि जिसमें घर्षण बल हमारा जो होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। अगला क्या है, जब वस्तुएं बाह आंतरिक में शून्य गुरुत्व यानी नल ग्रेविटी वाले स्थान पे हो तब उस समय भी हमारा क्या होता है भारहीनता का हमें अनुभव होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज के लिए इतना ही, ठीक ना। अगले दो वीडियोस में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम रिप्लाई जरूर देंगे।
और बताना चाहूँगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि हमारी मेहनत पूरी तरीके से सफल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।